नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मेरे कलेक्शन में इंडियन स्टैम्प्स के वीडियोस की श्रृंखला का दूसरा वीडियो में आज हम देखेंगे भारत के स्वतंत्रता के पूर्व के कुछ स्टैम्प्स और भारत के स्वतंत्र होने के ठीक पश्चात इशू किए गए कुछ स्टैम्प्स। मेरे कलेक्शन का ये सबसे पुराना प्री इंडिपेंडेंस स्टैम्प है जो कि क्वीन विक्टोरिया को दर्शाता है। ये स्टैम्प 12 आना में पाया जाता था। भारत में क्वीन विक्टोरिया का साम्राज्य 1 मई 1876 यानी 1 मई 1976 से लेकर 22 जनवरी 1901 तक यानी 22 जैन 1901 तक रहा। अगले दो स्टैम्प्स पर किंग जॉर्ज फिफ्थ की तस्वीर बनी हुई थी। ये स्टैम्प्स 3 पाई और आधा आना में पाया जाता था। किंग जॉर्ज फिफ्थ का भारत पर शासनकाल 6 मई 1910 यानी 6 मई 1910 से लेकर 20 जनवरी 1936 यानी 20 जनवरी 1936 तक रहा। ये कुछ पोस्टल स्टैम्प्स किंग जॉर्ज सिक्स को समर्पित थे। ये अलग अलग स्टैम्प्स अलग अलग समय पे किंग जॉर्ज सिक्स के शासनकाल में जारी किए गए थे। किंग जॉर्ज सिक्स का भारत पर शासनकाल 11 दिसंबर 1936 यानी 11th दिसंबर 1936 से शुरू होकर भारत के गणतंत्र होने तक रहा। ये स्टैम्प 16 अक्टूबर 1988 यानी 16th अक्टूबर 1988 में ट्रावणकोर अंचल में इशू किया गया था। इसकी कीमत थी 4 चक्रम। चक्रम ट्रावणकोर अंचल के करेंसी का नाम था। ये उन दिनों के रेवेन्यू स्टैम्प से ये 10 नए पैसे और 15 नए पैसे में पाए जाते थे। 1 अप्रैल 1957 यानी 1 अप्रैल 1957 में भारत के मानचित्र को दर्शाता हुआ कुल 11 स्टैम्प्स जारी किए गए थे, जिनमें से मेरे कलेक्शन में 2 स्टैम्प्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।